5 अक्टूबर को हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान अपने चरम पर है। सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रही हैं। एक ओर जहां भाजपा की ओर से वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह, कई राज्यों के मुख्यमंत्री धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के बड़े नेता, उन्होंने और प्रियंका वाड्रा ने भी अन्य पार्टी नेताओं के साथ हरियाणा में आज जमकर चुनाव प्रचार किया। हरियाणा के चुनावी रण में सभी दल अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते। भाजपा, कांग्रेस, आप और अन्य दलों के दिग्गज जनसभा और रोड शो के साथ जनता के बीच पहुंचकर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने में लगे हुए हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रचार की कमान संभाली। उन्होंने चरखी दादरी में जनसभा को संबोधित करते हुए जहां किसानों, पूर्व सैनिकों और आम लोगों के लिए डबल इंजन सरकार द्वारा किए गए कार्यों का जिक्र किया, वहीं आप कांग्रेस के साथ राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। जबकि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करनाल में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर बरसे। देखा आपने कांग्रेस के साहब का, राहुल जी का, जाकर वहां पर भारत की प्रतिष्ठा को, भारत के मान सम्मान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहन भाइयों, सिख भाइयों के बारे में कह दिया, गुरुद्वारे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए इसमें परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है, कड़ा पहने अथवा न पहने इस संबंध में भी उनको विचार करना चाहते हैं, आरक्षण के बारे में भी कह दिया, एक समय आएगा जबकि आरक्षण समाप्त कर दिया जाए। बहनों भाइयों, जो आरक्षण की व्यवस्था हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, आरक्षण की व्यवस्था बहनों भाइयों नहीं समाप्त होगी, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। मेरे को लगता है कि उनकी जीजा जी की जो अकूत संपत्ति उन्होंने हरियाणा के किसानों की लूटी थी, उसी की घबराहट इनके मन में आ गई है कि अगर तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी तो उनकी सारे काले कारनामा पर्दाफाश होगा। हरियाणा की जनता, विशेष करके नौजवान लामबंद है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊपर भरोसा जताई है, नायब सिंह सैनी फिर एक बार मुख्यमंत्री बनेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भिवानी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस को सनातन का दुश्मन बताया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जींद में अपने संबोधन में कहा कि पिछले 10 वर्षों में डबल इंजन सरकार के प्रयासों से हरियाणा की तकदीर और तस्वीर दोनों बदली है। वहीं राहुल गांधी के हरियाणा दौरे को लेकर राज्य के सीएम नायब सिंह सैनी ने उन्हें आड़े हाथों लिया। हिंदुओं का अपमान करना, भारत की सनातन संस्कृति को कोसना और भारत के बाहर जाकर के भारत की परंपरा और भारत के संवैधानिक संस्थाओं को कड़घरे में खड़ा करके अपने कृत्यों पर और अपनी योग्यता पर स्वयं प्रश्न चिन्ह कांग्रेसी हमेशा लगाते हैं। पिछले 10 सालों में हरियाणा में सड़क, रेल, हवाई अड्डे से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में बहुत मजबूती से काम हुआ है। पिछले 10 साल में भाजपा की सरकार ने हरियाणा का चहु और विकास किया है, इसलिए वो यहाँ आए, घूमे और अपना पर्यटन करें, लेकिन कुछ सवालों के जवाब हरियाणा उनसे जरूर पूछेगा। अम्बाला में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने हरियाणा विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की, तो वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने डबवाली विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार में भाग लिया, जबकि आप नेता राघव चड्ढा ने भिवानी विधानसभा क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में रोड शो किया। जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको हम फिर से लागू करेंगे और 6,000 रुपए हर महीने के विधवाओं को, बुजुर्ग लोगों को और डिसेबल्ड लोगों के बैंक अकाउंट में जाएगा। युवाओं के लिए सरकार में 2,00,000 खाली रोजगार है। कांग्रेस की सरकार बन रही है बड़े बहुमत के साथ, पूरे प्रदेश के कोने कोने से एक आवाज आ रही है, बीजेपी की सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। अब एक नया विकल्प है आम आदमी पार्टी, उसे चुनकर देखो। दिल्ली वालों ने एक बार चुना था, पंजाब वालों ने एक बार चुना था, अब हर चुनाव में दिल्ली पंजाब वाले
आई लव यू केजरीवाल बोलते हैं और झाड़ू का बटन दबाते हैं। जेजेपी एएसपी गठबंधन के दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद भी अपने गठबंधन के लिए जमकर प्रचार करते नजर आए। सभी पार्टियां मतदाताओं को रिझाने में लगी हैं, लेकिन जनता अपना फैसला 5 अक्टूबर को सुनाएगी। हरियाणा चुनाव में कांग्रेसी नेताओं की रस्सा कसी कम होने का नाम नहीं ले रही। कुमारी शैलजा, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा मंच पर तो साथ आ गए, लेकिन मन से साथ नहीं आ पा रहे हैं। इधर कांग्रेस से राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव में देर से ही सही मगर एंट्री की, और एंट्री करते ही उन्होंने विवादित बयान देकर हरियाणा की राजनीति में हलचल पैदा कर दी। अब देखना यह है कि ये बयान और ये गुटबाजी हरियाणा के चुनाव में कितना असर दिखाती है। कैमरामैन जगमोहन के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़ हरियाणा। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।